अभी शाम के 7 बज रहे हैं और 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली में, और देखो क्या हालत हो रही है बारिश से। और लग रहा है ऐसी बारिश रहेगी तो पानी भर जाएगा बाहर गलियों में, तो आज तो चांद देखने के लिए भी बहुत दिक्कत होगी दिल्ली वालों को। और ये बारिश लगातार 5 बजे से ऐसे हो रही है और बादल बहुत गरज रहे हैं और घने बादल हो रखे हैं। ये भी नहीं है कि थोड़ी देर में बारिश ख़त्म होने वाली है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। अब देखो क्या करते हैं, ऐसे अनुमान से अगर इसी तरह बारिश रही तो अनुमान लगा के ही चाँद को पानी चढ़ाना पड़ेगा। अपना व्रत सारी महिलाएं ऐसी तरह खोलेंगी, क्योंकि अगर चाँद दिखेगा ही नहीं तो किस तरह व्रत को खोलेंगे। तो ये मेरे को तो लग रहा भैया, जब से मैं व्रत रख रही हूँ करवा चौथ का, तो ये आज पहली बार ऐसा हो रहा करवा चौथ पे, तो भारी दिक्कत होने वाली है। पर वही है कि अपने अनुमान से सारे लोग अपने व्रत को खोलेंगे। तो ये हो रही है बारिश, तो बाहर तो हो रही बारिश तगड़ी वाली, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया। और हम चाँद का इंतज़ार तो करेंगे, और अगर चाँद नहीं दिखा तो आइडिया से व्रत खोल लेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है, सुबह के टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अभी तबीयत ठीक है। और भोजन मैं ही बना रही हूँ, मैंने अपने बहू को बोला है कि आप आराम करो। और थोड़ा दिक्कत भी होती है, बहू ने लहंगा पहना है तो लहंगे में काम नहीं किया जाता, तो मैंने कहा चलो आज अभी का खाना जो है भोजन प्रसाद जो भी बनाना है वो मैं बना दूँगी। तो मैंने सब्जी बना दी है, हलवा बना दिया है, और पूरियाँ मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग पहले खा लेते हैं और हम लोग जब व्रत खोलेंगे तभी खाएंगे। तो पूरियाँ बनानी मेरी बाकी हैं, जब ये लोग बोलेंगे तब मैं बना दूँगी, और बाकी हम लोग जब खाएंगे गरम गरम तभी बनाएंगे अपने लिए। कैसा लग रहा है बेटा दीपिका? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? देखो तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने दिनों बाद, मेरे को कितने सालों से इंतजार कर रही थी कि आज साथ साथ रहें। और करवा चौथ का व्रत भी साथ में है, और जो दिवाली आएगी उसमें तो मैं और भी खुश होंगी बहुत ज्यादा। मैं भी शादी के बाद पहला व्रत, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ सेलिब्रेट करके। स्पेशली बैंगलोर से इसलिए तो आई थी मैं कि करवा चौथ आपके साथ मनाऊंगी। अच्छा, तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है। तो पर दिक्कत तो ये होगी कि बारिश हो गई। मैं तो जब से व्रत ले रही हूँ करवा चौथ का, मुझे आज पहली बार ऐसा मौसम। कितने बजे आएगा चांद, क्या लगता है आपको? टीवी में न्यूज में दिखा देते हैं कि 8:30 बजे आएगा, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा 9 बजे से पहले चांद आते हुए। अब आज तो बादल हो गए तो नहीं दिखेगा, तो अब हमें कहाँ दिखेगा, बहुत घने बादल है, बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली 5 बजे से। मैंने वीडियो में बोल भी रखा है कि 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है। तो हम ऐसा करेंगे भाई, न्यूज में देख लेंगे या फिर अपना अनुमान से, सारे लोग ऐसे ही करेंगे, हम नहीं क्या, तो अनुमान से अपना व्रत खोल लेंगे और क्या करेंगे, ऐसे ही करते हैं और क्या कर सकते हैं ना। जब चांद ढक जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, धुंधला धुंधला दिख जाएगा। हाँ, अगर दिख गया तो फिर कर लेंगे। हल्की हल्की लगनी शुरू हो गई है। अच्छा, तो हाँ थोड़ी थोड़ी, पर ज्यादा नहीं, अभी रुक सकती हूँ 10-11 बजे। अपने शादी का लहंगा पहना है, खासकर मैंने बोला कि भाई ये लहंगा देखो आप, इतना महंगा लहंगा किसी का भी है, एक मेरी बहू का नहीं, तो इसको पहनना तो चाहिए ना, घर पे ही है। मैंने कहा भाई पहन लो, तो पहन रखा है आज। अब पता नहीं कब इसकी बारी आएगी पहनने की, और भारी है, बहुत बहुत भारी है। दिक्कत तो होती होगी, क्योंकि मैंने जब पहना था अपने बेटे की शादी में, मेरा तो हल्का सा था, मुझे दिक्कत हो गई थी। ये तो बहुत भारी है भाई, बहुत ज़्यादा, मुझे देख के ही ऐसा हो रहा है। पर मैंने कहा भाई पहला व्रत है आज तो पहन लो, फिर इनकी बुढ़ापे में नहीं पहना जाएगा, अभी तो पहन सकते हैं। पर मैं जब तक रहूंगी मैं रोज बोलूंगी इसको पहनो, इसी को पहनो, इसी को पहनो, ठीक है ना? आप कमेंट करके बताना मेरे को, और मेरा लहंगा कैसा लगा आप ये भी बताना मेरे को। ये और मेरी बहू का श्रृंगार कितना अच्छा लग रहा है वो भी बताना कमेंट करके। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, अगर चांद निकलेगा तो चांद आप लोगों को भी दिखाएंगे, नहीं तो दिल्ली वालों को आज पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। चलो जी बाय।
जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने वीडियो में भी बताया है और पता भी होगा कि बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं, तो चांद नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें इस तरह थाली पर चंदन से चांद बनाया है और बहुत से लोगों ने बोला भी है कि इस तरह चांद बना के हम अपना व्रत को खोल रहे हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। और हवा भी बहुत तेज़ है और जो दिया हमने जला रखा है वो भी बुझ जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो प्रभु हमारे इस व्रत को सफल बनाए और सब सुहागन को सदा सुहागन रखे, यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। खुश रहो हमेशा हमारे साथ रहो और खुश रहो। बलु लगदु भलु लगदु मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे। बलु लगदु